तो आज यह संकल्प लेके चाहिए जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें शिवरामगढ़ विधानसभा से जयराम महतो के पार्टी से ही विधायक बनेगा। क्या आप लोग इसमें सहमत है? आप लोग इसमें सहमत है? हम चाहते हैं इस विधानसभा में जनता का राज स्थापित करना। जो भी अवसर है अगर जनता के अनुरूप काम करेंगे हम उनका फूल माला से स्वागत करेंगे। लेकिन बेटा अगर जो भी कुया डोभा धार द्वार इस सब में पैसा लेके बात है लो तो बुझी ले चलो सत अपन अपन जगह देखी जाएगा गंभीर महतो यहाँ के मंचे पहुंचे गंभीर महतो हेलो खाली कलाकार से भूल था बाकी दूसरे लोग ने भूल दिया लेकिन कलाकार के निकल जाते खड़ा है मुझे तुमको बैठक सुविधा नहीं रहा था। चलो तो चलिए प्रोग्राम सब चलते थोड़ा सा होकर बार बार एक अवसर सुना दिया है कि टाइगर जयराम महतो जी मगर मगर से बात कर सुना है एक अवसर सुना है टाइगर जयराम महतो जी मगर से पार कर गए इसलिए भी कुछ समय के बाद उनका प्रदर्शन होने वाला है। मंच में मंचासीन हमारे केंद्रीय जिला प्रखंड पंचायत एवं सक्रिय तमाम सदस्यों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार नमस्कार करता हूं। मैं यहां पर जितने भी उपस्थित हमारी माताएं बहने नौजवान साथियों पिता तुल्य हमारे अभिभावकगण सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस ऐतिहासिक धरती में जो सभा का आयोजन किया गया है यह सभा आज दो वर्ष पहले की मांग थी और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश और जुनून के चलते आज टाइगर जयराम महतो इस ऐतिहासिक धरती में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप लोग जो इस भीड़ में इकट्ठा हुए हैं आप लोग जानते ही होंगे कि आज आप लोग यहां क्यों आए हैं। हम लोग आप लोग यहां पर इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी का इस राज्य का यहां पर कायाकल्प करना है इसलिए यहां तमाम हम सभी लोग एकजुट हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं यही वो मिट्टी है जहां से इस राज्य के दो दो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज यही ऐतिहासिक मिट्टी में हमारे भावी सुप्रीमो भावी मुख्यमंत्री इस राज्य के टाइगर जयराम महतो ही अपने उद्घोष अपने संबोधन को आप लोगों के बीच रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोला प्रखंड के बरलंगा पंचायत स्थित लुकैया टार की इस ऐतिहासिक धरती इस मिट्टी में जो भीड़ जमा हुआ है ये भीड़ आज एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा यहाँ की निकम्मी विधायक चोर विधायक
उन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए ये पार्टी आज यहाँ पर एकजुट हुई है। मैं तमाम माताओं बहनों से ये कहना चाहूंगा, हमारे नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा, पिता तुल्य अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि 24 वर्ष का राज हमारे पास हो गया है, लेकिन 24 वर्ष के राज होने के बावजूद एक कुआं कोड़ा ले जाइए 10,000 रुपया लेगा पहले रोजगार सेवा, दो कोड़ा ले जाइए 5,000 लेगा, तालाब कोड़ा ले जाइए 20,000 लेगा, अपना जमीन का रसीद कटाने जाइए 10,000 लेगा, जमीन का मोटेशन कराने जाइए 7-8 साल तक आपका अंचल में मोटेशन नहीं हो सकता है। बात सही है या गलत बताइए, बात सही है या गलत, बात सही है या गलत। आज यही उद्गार और यही जोश और यही जुनून को यहाँ पर दर्शाना है। मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग आए हैं इस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इस बदलाव संकल्प में सभा में, तो आज यहाँ संकल्प लेके चाहिए जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें इस रामगढ़ विधानसभा से जयराम महतो के पार्टी से ही विधायक बनेगा। क्या आप लोग इसमें सहमत है? आप लोग इसमें सहमत है? ये मिट्टी उलगुलान की मिट्टी है, ये मिट्टी खून की मिट्टी है, इसी मिट्टी में यहाँ पर शहीद सोबरन सोरेन का हत्या हुई थी जो बगल में शहादत दिवस है, और इसी मिट्टी का जो अंगारी पड़ा हमारे झारखंड के दिशोम गुरु शिव सोरेन के द्वारा, जिन्हें पूरे राज्य में एक क्या कहेंगे महाजनी प्रथाओं के खिलाफ में उन्होंने आंदोलन किया, और आज उनके साथ साथ कई ऐसे हमारे महान इस राज्य के शहीद वीर सपूत हुए, जैसे निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, शेख भिखारी, इस तरीके से सुनील महतो, अन्य ऐसे कई शहीद हैं जिन लोगों का अगर मैं नाम लूंगा तो शाम से सुबह हो जाएगा। आज ये मिट्टी हमें एक अलग झारखंड राज्य के रूप में देख रही है, हम लोग इस मिट्टी को अलग झारखंड रूप में राज्य के रूप में अगर कह रहे हैं तो यह असंख्य हमारी माताओं बहनों का मां का सिंदूर धुला हुआ है, अनेक बच्चे अनाथ हुए हैं, अनेकों अनेक माओ की गोद सुनी हुई है, तब आज हमें इस झारखंड राज्य मिला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने राज्य में अभी भी ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। बात सही है या गलत, इस बात को मानते हैं या नहीं? क्या आप लोग चाहते हैं कि बिना घूस पैंच में कोई काम हो? हम आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, अगर टाइगर जराम बातों की सरकार बनती है, हमारे इस विधानसभा में विधायक बनते हैं, तो मैं इस मिट्टी से आप लोगों को कसम करके ये वादा करता हूं कि अगर रामगढ़ विधानसभा में कुआं में, डोभा में, आवास में, जमीन में, थाना में, अस्पताल में अगर पता चल गया इस विधायक को जेबीकेएसएस का कि थाना में घुस लिया जाता है, ब्लॉक में घुस लिया जाता है, अस्पताल में घुस लिया जाता है, स्कूल का एडमिशन में घुस लिया जाता है, कुआं डोभा कोड़ने में घुस लिया जाता है, मैं इस मिट्टी की कसम खाके कहता हूं कि वैसे थानेदार, वैसे डॉक्टर, वैसे शिक्षक, वैसे डीसीएसपी वीडियो सीए को ये जनता चप्पल से मारने का काम करेगी। हम चाहते हैं इस विधानसभा में जनता का राज स्थापित करना, जो भी अवसर है अगर जनता के अनुरूप काम करेंगे हम उनका फूल माला से स्वागत करेंगे। लेकिन बेटा अगर जो भी कुया डोभा धार दुआर इस सब में पैसा लेके बात है लो तो बुझी ले लायतार जुताई से बात है, तो किना सहमत आया ही चाहे जनता का राज होना चाहिए। यहाँ पर निरंकुश सरकार है, गुलामी सरकार है, बिना पैसा में भले यहाँ पर लोग बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन बिना पैसा में सरकारी कार्यालय कहीं चल जाइए कोई काम नहीं होता है। सारा आय जाति आवासी बनाने के लिए
लोगों का चार चोरी चप्पल घिस जाता है। सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए हजारों हजार रुपया लग जाता है। अगर थाना में जाइएगा, निर्दोष आदमी है, अगर आपका पहुंच नहीं है तो थानेदार डांट फटकार करके थाना से हटा देते हैं। बात सही है या गलत? बात सही है या गलत? हम ऐसा थाना बनाना चाहते हैं जो आदमी थाना में जाएगा उनसे थानेदार पूछेगा, उनसे थानेदार पूछेगा कि आपका तकलीफ क्या है, और अगर जिसका गलत है उसको गलत का सजा दिया जाएगा और जो सही है उसको सही का सत्कार किया जाएगा। हम चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कोई भी सरकारी अधिकारी को टारगेट नहीं करता हूँ। मेरा कहना है जनता का राज होना चाहिए, बिना घूस में चिंता होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। जो भी अधिकारी बने हैं सरकार उनको तनख्वाह देती है, वो बाप घर का पैसा से अपना ड्यूटी नहीं करता। सही बात है या गलत? आप लोग चाहते हैं कि जेबी केसेस का विधायक इस विधानसभा से बने? हाथ उठाइए अगर चाहते हैं आप लोग तो, हम देखना चाहते हैं। आधा आदमी को तो हाथ नहीं उठ रहा है, क्या यार मेला देखने आए क्या यहाँ पर? यह आंदोलन की धरती है, यह संकल्प लेके जाइए, आगामी विधानसभा का चुनाव हमारा जेबी केसेस का विधायक होगा। और यहाँ जो गुंडागर्दी चल रहा है, दारू मुर्गा वाला वोट, बताइए आप लोग दारू मुर्गा छाता धोती साड़ी से वोट दीजिएगा क्या? वोट दीजिएगा क्या? अरे अपना जमीन मत बेचिए, 100-200 रुपया के लिए अपना वोट बेच देते हैं, हमें लानत है ऐसे वोटरों पर। अगर साल भर अपने पैसे से खा सकते हैं तो वोट के दिन भी अपना बीबी बच्चा को कि आप क्या चूल्हा में दूसरे चावल नहीं यार जो चावल मिला के खा सकते हैं। इसलिए मैं अब तमाम जनताओं से आग्रह करूंगा, आपने जो मुझे देखा मैं गुस्सा के साथ बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है यह भ्रष्टाचार है। मेरा कोई गुस्सा नहीं है, किसी से मेरा नाराजगी नहीं है, लेकिन जो शासन प्रशासन जो सिस्टम सरकारी का बना हुआ है मैं उससे पीड़ित हूँ, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोग का सहयोग रहेगा टाइगर जयराम तो मुख्यमंत्री बनेंगे। विश्वास दिलाता हूँ कि जो न्याय होता है उस न्याय को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तमाम माताओं बहनों हम सभी नौजवान साथियों को मैं अपनी ओर से इन्हीं शब्दों के साथ झारखंडी जुहार नमस्कार धन्यवाद करता हूँ। और खास करके जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचा होगा तो मैं उन्हें क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरा बात जो है डायरेक्ट सिस्टम के साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।